नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं पनासा आया हूँ। तो जो मेरा जो टायर है कंडक्टर साइड का, उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसके जो रिम में थोड़ा प्रॉब्लम है, रिम टेढ़ा है। तो ये जो स्टेपनी का टायर है हमारा, तो इस वाले रिम को आज तक यूज़ नहीं किया है, तो ये बिल्कुल नया रिम है, इसको डालेंगे हम कंडक्टर साइड। क्योंकि जो गाड़ी है ना, गाड़ी बबलिंग मारती है बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे हिलती है गाड़ी, फास्ट चलाएंगे चाहे आराम चलाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि फोर लाइन नई नई बनी है, मैंने सोचा कि इसकी फोर लाइन की दिक्कत होगी। जब पिछली बार सर्विस हुई तो मैंने चेकिंग की, प्रॉब्लम कोई नहीं थी। तो फोर मैन बोला कि भाई ने हमें देखो क्या दे दी, गैजेट दे दी है, नट निकालने के गैजेट। तो भी गैजेट को निकालते हैं, इस रिम को निकालते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। तो शाम के बज रहे हैं 5 और तुम्हारा भाई आ चुका है पनारसा में। तो दिल से मैं सबको लव यू बोलता हूँ दोस्तों, अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो। और एक खुशखबरी भी है, ये जो अगला ब्लॉग आएगा वो मेरी खुशखबरी पर आएगा। इसने मेरा बैग छोड़ा 1800 का, अपना 300 का बैग भी नहीं दे रहा मेरे को, चोर आदमी है। तो दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो ये जो स्टेपनी वाला रिम है, ये बिल्कुल नया है, अभी तक गाड़ी में लगा नहीं आज तक। जो हमारा ये वाला रिम है ना, जो भाई निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो कंडक्टर साइड का रिम है, इस रिम में आ गई दिक्कत। ये जो रिम है इसमें हो गया ऐसा सीन कि जो अपना बबलिंग मार रहा बहुत टेढ़ा है। एक दिन मेरे दोस्त ने देखा, उसने बोला, बोला भाई यार तेरी गाड़ी का जो कंडक्टर साइड का टायर है वो खुलने वाला है। मैंने बोला ऐसे कैसे खुलने वाला है, तो मैंने चेक किया, तो यार उसने बोला कि ये, बोला भाई ऐसा बोला टेढ़ा हो रहा है ऐसा वैसा। मैंने बोला अच्छा, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा यार टायर में कोई दिक्कत है। फिर जब पिछली बार मैंने सर्विस करवाई, फिर मैंने सारी चीज़ें चेक की, मैंने बोला यार सारी चीज़ें ठीक है। तो फिर मेरे को भाई कम से कम 1-1.5 महीने से टाइम नहीं लगा कि मैं टायर ठीक करवाऊँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा कि चल रहा फ्री टाइम में करेंगे आज फ्री, फिर मैं जल्दी आ गया, 1-2 ट्रिप मेरे वहाँ और थे तो मैं जल्दी आ गया। तो ये मेरा छोटा भाई है, ये स्पेशल मैंने टायर खुलाने लाया हुआ है। तो फिर मैंने ऐसा किया, अपना दिमाग चलाया, मैंने सोचा कि इसके अंदर रिमिटेड है भाई, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। और टायर मैंने खुद देखा कि हल्की सी बबलिंग मार रहा, और जो गाड़ी ना ऐसे ऐसे जंप करती थी, चाहे फास्ट चलाओ चाहे आराम चलाओ, गाड़ी ऐसे ऐसे जंप करती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला इसको ठीक कराना पड़ेगा, नहीं तो भाई मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं बताऊँ आपको, जो हमारा ये जो स्टेपनी कर रही मैं, ये आज तक लगाया नहीं, आज तक भाई ये यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। और जो गुटका है इसको भी मैं यहीं पर रखता हूँ, तो ये यूज़ नहीं हुआ आज तक। तो इस रिम को डालेंगे हम वहाँ, अभी भाई निकाल रहे हैं उसको। तो मैं इसलिए ऊपर आया हूँ क्योंकि मैंने स्टेपनी के जो नटे निकालने हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको निकालते अभी, ठीक है। तो फिर इसको निकालेंगे नीचे, चेल और मैं निकालेंगे इसको, ठीक है। फिर हम इसको नीचे ले जाएंगे, टायर की अदला बदली करेंगे और रिम की अदला बदली करेंगे। तो गाइस, पसीना पसीना हो गया तुम्हारा भाई। तो देखो काम करने प्यार से, ठीक है। इस टायर का वजन कम से कम 30-35 किलो मिनिमम रख तू, 30-35 किलो होगा। अकेले बंदे ने कैसे उतारना है, मैं आपको ये स्टाइल बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखना मेरा स्टाइल, क्योंकि अकेला बंदा है, जो हवा है ना भाई, इसको अगर आप जोर से पटकेंगे ना, ये वो हमारी लोकल भाई मुझे टिकता भी है, टिकता मतलब उछलता है, ठीक है। है फोरमैन जी, क्या बोलते हैं, टिकता नहीं। तो दोस्तों स्टोरी है ना, तो मैं भाई देखो, मैं हमेशा हंसी मजाक अपनी जगह, मैं भाई सही चीज बताता हूँ, ठीक है ना। तो भाई इसको निकालने के भी तरीके होते हैं, वो तरीका कैसा मैं अब आपको बताता हूँ तरीका। अब देखना है मुझे देखना है, ठीक है। इसको ना ऐसे ही पकड़ कर रखना है, नट से उतारना है, ठीक है। इसको सीधा करना, और इसने जितने जंप लिए उसको छोड़ना नहीं है, उस जंप को कंट्रोल करना है। धूल मिट्टी है तो चलो आपकी रहती है, बट अगर आप इसको जोर से फेंकेंगे कहीं भी जाके नुकसान कर सकता है, ठीक है। और कुछ भी बताना यार, ये जो तुम्हारे भाई का दिमाग मारो कैसा लगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आपने टायर ऊपर उठाया ना, ऐसे को तो भाई मैं बोलता हूँ ऐसे को नहीं उठेगा, इसके लिए भी टेक्निक चाहिए। अब जरा थोड़ा जूम करेंगे भाई, आप जूम, यस। तो ये जो किनारी है ना, इसको हमने इतना ऊपर रखना है, इतना ऊपर, ठीक है, इतना ऊपर रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से नीचे है। अगर हम इसको नीचे रखेंगे तो भाई टायर ऊपर ही जाएगा, स्लिप होकर गिर जाएगा, ठीक है। वो अब थोड़ा यहाँ से ऐसे ना लगा ना, सिर में जाना बहुत जरूरी नहीं थी, इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जो चीज ना भाई मारे आधे वजन की है ना, उसको आप दो हाथ से नहीं उठा सकते, क्योंकि
ये बड़ा भी है, उठाने में मुश्किल है। तो ऐसे कामों के लिए चाहिए टेक्निक, जो कि तुम्हारे भाई की बात है। तो जिनको मेरी टेक्निक अच्छी लगी, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट दो भाई, ठोकना जरूर। अब इसको उतारने के लिए नीचे चाहिए हमारे को दो बंदे, एक बंदे से नहीं उतरेगा, ठीक है ना? तो अगर ऐसे मैंगो इसको सीधा नहीं, आपका टायर पंचर हो गया, अगर आप अकेले हो तो जरूर गाड़ी में एक रस्सी रखनी है, मैंने धुनी रखी है, बट चलो हम तो लोकली चलते ना, रस्सी होनी चाहिए जरूर, क्योंकि उतारने में भाई देखना कितने जंप लेता है। तो वो देखना इसे मेरा वीर कल्ला की दफड़ दे, ये देखो इसने पेंट खराब कर दिया भाई ने, देखो ये देखो गलती कर गया था भाई, बट जो मैंने टेक्निक बताई ना सबसे बेस्ट टेक्निक हो, छोड़ना ही नहीं टेप पकड़ कर रखना है। अब गाड़ी से उतरने का स्टाइल देखिए, देखो अरे बिल्कुल अरे गुरुजी ऐसे नीचे, ठीक है, लगनी नीचे, नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर मेरे को लग गई कल गाड़ी कौन चलाएगा, तब ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक खुशखबरी आ गई है, ठीक है, वो एक खुशखबरी ये है कि जो हमारे अभी भाई हैं ये फ़ोन वगैरह फाइनेंस करवाते हैं, जिनका कार्ड नहीं बनाए उनका कार्ड बना के देते हैं। तो जो अगर हमारे कुल्लू बजौरा भुंतर ओट तक, कुल्लू से ओट तक भाई जो भी अगर फाइनेंस करके फ़ोन लेना चाहता है किस्तों पर, सही से सही दाम पर, फोन LED फ्रिज वगैरह जो भी है सारी फॉर्मेलिटी ये करा के देगा, सारा काम ये करवा के देगा, ठीक है, ऑटो तक करा के देगा, घर ले जाने को सामान, ठीक है, फोन लेना तो जेब में ले जाना पड़ेगा ना, बाकी फ्रिज वगैरह LED लेनी है तो ये ऑटो तक करा के देगा, मतलब सारे काम करा के देगा, जो भी फाइनेंशियल चीज होगी ये पूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसने नया काम छेड़ा हुआ अभी ऑनलाइन काम, ठीक है, तो ऑनलाइन तो क्या है, व्हाट्सएप वगैरह कर सकता है, इसको मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे इसका नंबर दे दूंगा। तो काम के बंदे करना फोन भाई, फालतू के बंदे फोन मत करना, बाकी जैसे किसी को पता नहीं होता ना, नॉलेज नहीं होता, तो ये पूरी हेल्प करेगा जो भी है, ठीक है, और सही रेट में दिलाएगा भाई, ठीक है। तो छोटे को कॉल करनी है, 15,000 का हुआ वहाँ हम 14,000 रुपये दिलाने की कोशिश करेंगे अपने कस्टमर। या बिल्कुल सही, और जो भी फोन है Apple 13 Pro तक कोई भी फोन बोलो आप सारे फाइनेंस करा के देगा, गच वाले स्टाइल से पूरी डिटेल बताएगा, फोन फोन पे बताएगा, जब तक काम नहीं होगा ना आपका, ऐसा कि आप आने की जरूरत नहीं है तब तक बुलाएगा नहीं, फोन फोन पे सारी फॉर्मेलिटी वगैरह सब पूछ करा के देगा, बस यहाँ इसका नंबर दे रहा हूँ फिर से, इसको कॉल करना तो जरूर करना, अपना छोटा भाई है, अपने बंदों को सपोर्ट करो। ऐसा है मतलब जो 25 साल से ऊपर 25 साल तक है ना, वही मतलब कि उनका कार्ड बनेगा, 25 साल से जो छोटे हैं उनका कार्ड नहीं बनेगा, है ना? बाकी फुल डिटेल लेने के लिए भाई के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करो। बाय बाय। इंटरव्यू देते देते भाई ने पता क्या कर दिया है, तो ये MRF के टायर लगे, ये स्टेपनी का अपोलो का टायर है, ठीक है, ये रिमेटेड है, ये पुराना है, तो ये रिम है हमारा नया, देख सकते पेंट से ही पता लगता पहले, ठीक है, तो ये आज यूज़ नहीं हो, तो ये रिम है हमारा सीधा बिल्कुल, ठीक है, और इसमें हमने गेस्ट लगाया, ये बहुत जरूरी होता लगाना, और मैं अगले टायर में रखता हूँ मैं कितने 100 pound रखता हूँ मैं, ठीक है, और पिछले टायर में मैं 115 रखता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। तो भाई ये भाई की दुकान है, ठीक है, फुल पावर, यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम भी होता है, और आयशर की गाड़ी का भाई हेड 4 में नहीं आया है, ठीक है, कोई भी अगर काम करवाना चाहता है यहाँ आ सकते हैं, हमारे मोनू भाई गाइस इसको बोलते हैं परफेक्ट काम, ये देख लो भाई जी, तो ये लगी है, इसको पता कैसे होता है, जब हवा भर देंगे ना पूरी, इसको खींच के इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ऐसे को ना जाए, ठीक है। तीसरा बड़का ये काम होता है कि जब अगर ये जो ऊपर है ना यहाँ तक होता, हमारे यहाँ तक होता है हमारा जो अंदर जो हमारा ड्रम होता है, तो ड्रम होता है गर्म, क्योंकि उसमें लेदर में ब्रेक लगती है, और वो जो लोहे का ड्रम वो गर्म होता है, उसमें ये ना लगे, क्योंकि ये पंचर हो सकता है, कुछ भी हो फट सकती है, तो ये नाजुक होती है, ठीक है, इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए इसको लगाते हैं। भाई ले आ रही हवा, पावर गच करके, तो मिलिए गाइस इनसे, ये हमारे फोरमैन जी, तो यहाँ पर है ना दो बंदे आए और शर्मा रहे हैं यहाँ आने से, ये देखो ये दोनों बंदे ना मेरे को देख ही जा रहे हैं, पर शर्मा रहे, क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं, राजे आपके बहुत ज़्यादा फेमस है, हम जम्मू के रहने वाले, थैंक यू भाई, आपकी रियल दादी, हम कहाँ से, आप दोनों जम्मू से, जम्मू से यहाँ कैसे, कहाँ पर किगस में टावर का, अच्छा 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 अच्छा, वो आ रहा भाई, बड़ी खुशी हुई यार तुम्हारे से मिलकर, इंस्टाग्राम पे देखते
जम्मू से आए बंदे मिलने, बहुत अच्छा लगता है यार मिलके। ये थोड़ा शर्मा रहे थे मेरे से, बट तुम्हारा भाई अब पहले शर्माता था, अब नहीं शर्माता मैं, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी आदत पड़ गई है। मेरे को बड़ा मजा आता है यार, बड़ा मजा, खुल के बात करता मैं कसम से। और जो जो बंदे भाई देखो अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, और जिन जिन को पता कि जिन जिन से मैं मिला हूँ, उनको पता भाई तुम्हारा भाई फुल चिल मारता यार, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा अजीब लगता था, पर अब नहीं। तो देखो भाई इसकी भी मेहनत है यार, भाई देखो टायर अब लगा रहे हैं, इस टायर को लगाने की भी टेक्निक देखो, ये देखो नीचे अपने पेचकस हो या टायर लीवर, हाँ टायर लीवर के साथ भी आप लगा सकते हैं, या बड़ी रॉड जो है उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब वन बाई वन हम नट लगाएंगे गच वाले तरीके से। तो सबसे मेन काम होता है जो नट है, नट को चेक करना कि प्रॉपर टाइट करना है खुद से, ठीक है। और जो ये रिम है, जो हमारा रिम है वो ड्रम के अंदर बिल्कुल सेट होना चाहिए। जो ये छेद दिए ना, यहाँ कई बार गैप रह जाता है, और जैसे कि अभी भाई ने देखा हमने लगाने से पहले जो अंदर साइड की मिट्टी है उसको साफ़ कर दिया, तो ज़रूर हमेशा भी जो ये करना है ना, इसकी अंदर वाली मिट्टी वुट्टी जो है वो साफ़ करनी है ज़रूर। कवर हमने पहले यहाँ निकाल दिया था, बाकी काम चला भाई फुल पावर गेड़े गेड़े में। तो ये जो भाई की दुकान है पनारसा चेक पोस्ट जो है वहीं नियर बाई वहीं पर ही है, तो आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ काम करवाने। भाई के वहाँ होता है डेंटिंग पेंटिंग, टायर पेंचर, ग्रीसिंग, और जो मतलब बॉडी वगैरह में जो भी स्पोर्ट वगैरह देनी है सारा काम होता है यहाँ फुल पावर। और जैसे फोर मैंने देखो देखो गाड़ी का काम किया और चेक करके आ गया अभी, ये देख लो भाई मैकेनिकल काम भी होता है, ट्रक का भी होता है, कोई भी ट्रक, कोई भी ट्रक, टाटा आइशर माजदा ब्लैरो कैंपर, सारे छोटी गाड़ियों के मैकेनिकल लग गया भाई के पास। भाई के जो बड़े भाई है और एक फोरमैन जी होते हैं यहाँ पर, मतलब जीप वगैरह कार वगैरह का हर सब का काम होता है। और ये हमारे हेड फोरमैन जी है, देख लो बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। और ये भी हमारे हेड फोरमैन है आइशर एजेंसी के, देख सकते हैं इन्होंने एजेंसी में काम सीखा हुआ है, और अब इन्होंने यहाँ पर खुद की शॉप निकाली हुई है। देखो भाई अब जैक लगाया हुआ, सादा जैक बाइक को निकालना पड़ेगा मेहनत करके। तो गाइज ये जो ड्राइवरी का काम है, मैकेनिकल काम है, इसमें हमें थोड़ा, मैं तो नहीं हुआ काला पीला, बट मैंने हाथ धो लिया, ऊपर देखी होगी आपने कि डाले के ऊपर मेरी हालत क्या थी, काला पीला होना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं, अगर भाई टायर वगैरह नहीं निकालते मेरे को खुद निकालना पड़ना था, और जो जैक वगैरह खुद ही लगाना पड़ना था, पर भाई ने लगा दिया, अपना भाई है भाई इसलिए लगाया, ठीक है। बाकी चलो ठीक है जो भी है, तो भी इसको लगाते हैं, उसको टायर ऊपर चढ़ाते हैं, तो देखते हैं भी क्या बनता है। भाई इसकी रेडी बना के लाया जा रहा है, अब इसको डाले में डालेंगे सीधा कड़च करके। तो किसे कहते हैं डोडा, ये हमारे शाम हो गया डायलॉग, डोडा फिट हो गया गाइस। तो भाई शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा यार तुम्हारे भाई की मेहनत देखो भाई, शर और फर मेहनत बोलते इसको। तो अब क्या करना है, नट हो गया यार थोड़ा खराब, इसको लाते हैं नया। तो गाइस हमने पूरा डोडा फिट कर दिया है, मतलब कि ये डायलॉग है भाई का ऐसा ना, जब काम पूरा हो जाता मतलब डोडा फिट हो गया, मतलब अब वो कहाँ फिट हुआ मेरे को ये नहीं पता ना, पर डोडा हो गया फिट भाई। ऐसे भी यार मैं ना पसीने से लथपथ ही रहता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं पता कि मैंने ज्यादा मेहनत की कम, पर पसीने निकलते हैं भाई जब बंदा मेहनत करता तब। भाई टायर चेक देता हूँ डोडा फिट करना है बहुत जल्दी, डोडा फिट था भाई ने लिया। तो गाइस एक और दो, एक डोडा हमने ये फिट कर दिया कि हमने टायर लगा दिया, दूसरा डोडा हमने ये फिट करना है कि आज का तुम्हारे भाई का नया डायलॉग है डोडा हो गया फिट, नट लगा दिए दोनों साइड डबल नट कर दिया, ठीक है। एक दिन कवर मेरा गिर गया, आ जाओ बताता हूँ मैं खुश खबरी। तो ये लगे गाइस आज मेरा दिन कवर गिर गया है, नट बिल्कुल टाइट है फिर भी मेरा दिन कवर गिर गया है, तो इस भी कवर की पेनल्टी पड़ेगी कितनी, 1000, क्योंकि एक सिंपल मिले सिंगल मिलेगा नहीं, दो ही लेने पड़ेंगे। पर इसके ऊपर भी एक खुशखबरी है, जो हमारे गुरुजी है, गुरुजी के वहाँ स्पेयर पड़ा है, तो भाई नया व्हील कवर मारेगा तुम्हारा भाई डंडे मारे,
चलो फिर आओ। चलो भाई, तो भाई ने बहुत डोडे फिट कर लिए, आज भाई की थोड़ी हालत खराब हो गई है, तो बस लास्ट डोडा यही है जो कि हमने फिट करना है। भाई से पूछ भी लेंगे हम कितने पैसे हुए क्या हुआ। तो कुछ नहीं हुआ था, थोड़े हाथ गंदे हुए थे और धो लिए मैंने। देख लो, मेरे को देख के लग रहा है कि मैंने अभी टायर बदला है। बोलो, सिर्फ पसीने, मेरे पसीने से जजमेंट होती है पर मेरे कपड़े से जजमेंट होती, क्योंकि हम काम ऐसे करते बिल्कुल साफ सफाई वाला, क्योंकि जरूरी है साफ सफाई वाला काम करना। दोस्तों 200 रुपए का प्रसादा बन गया है, तो ये प्रसादा बना है 100 रुपये पर टायर। तो भाई ने कहा 50 रुपये तो बोला जीप के टायर करता हूँ, मैंने बोला चलो कुछ नहीं भाई, कपड़े अपने काम की मेहनत है। तो ये चिट्ठा है गर्म पानी के साथ सुबह और शाम। भाई देखिए, ये मेरा क्लास फेलो है, ये ज़्यादा फोर में बनता अपने आप इसको, मतलब नहीं, इस टाइम काम की वर्दी में, इस टाइम इसकी इज्जत कर रहा हूँ। जब मेरे को शाम को मिलेगा ना खा पी के, इस टाइम दूंगा इसको, कोई सीन नहीं है, मतलब कि इसका डोडा हम फिट कर देंगे। तो गाइस, जो मेरे कंडक्टर फोर में जी क्या काम करो, और मैं आपसे जो कंडक्टर साइड है ना वो वहाँ ब्रेक ज़्यादा, तो ड्राइवर साइड हल्की सी चूड़ी ऊपर कर दो थोड़ा, तो मर गया फोर में। हल्की सी चक, हल्की सी। मैंने सोचा ऐसा कि सारी उम्र तो लोगों की नौकरी करेंगे नहीं, तो हमारे भाई जो है थोड़े डेवलपमेंट कर दी इन्होंने अब, अच्छा यार, क्योंकि अपना काम करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। चलो बढ़िया है भाई, जो भी है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है कर रहा है भाई काम बढ़िया। तो तुम्हारे भाई की एक सोच है जो कि आपको पता कि मैं कभी यार गलत नहीं बोलता किसी के बारे में, जो भी यार सही है। हैं, क्या किया, जैसे धो रहा हूँ वैसे बारिश पड़ रही है, शाम को धो रहा हूँ सुबह बारिश, तब को भी यही हाल हो रही मीठी मूठी, तो क्या करना। तो आजकल किस्मत ऐसी चली है जैसे धोनी सुबह बारिश, क्योंकि देखा आपने कि बहुत दिन से जैसे शाम को मतलब बारिश नहीं हो रही है, रात को हो रही है और सुबह हो रही है, दिन को पूरे दिन मौसम खराब भी रहना फिर भी बारिश नहीं हो रही है, ऐसा पंग हो रहा मेरे साथ। नहीं तो मैंने कब से धो लेनी थी, धो तो मैं रहा हूँ, मैं क्या करूँ भाई, कीचड़ तो फंसेगी बारिश में, चलना काम से बाहर ही नहीं है, बारिश भी हो रही है तब भी काम है, तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ भाई, मैं जान दूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ, बाकी बारिश पड़ रही है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो गाइस, काम हमारा यहाँ हो चुका है, देखा होगा आपने यार, ब्रेक वगैरह मतलब सारा काम हो जाता है यहाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सीन है अपना ऐसा, हमारा सीन ऐसा, हम रखते हैं सबके साथ भाईचारा, भाई हम कराते हैं सारी जगह काम, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम एजेंसी में कराते हैं, बाहर नहीं करवाते हैं, जो काम बाहर तो हम बाहर करवाते हैं, जो एजेंसी में तो वो एजेंसी में करवाते हैं, क्योंकि यार कभी ना, अब मेरा मानना ये है सबके साथ सर्कल अच्छा होना चाहिए यार, पता क्यों, किस साथ यार गलत सर्कल नहीं होना चाहिए कभी बंदे का, ठीक है। तो देखा होगा आपने काम यार, जो भी हुआ। तो इस ब्लॉग का तो यहीं पर ख़त्म, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जो चैनल पर नया हो चैनल करना सब्सक्राइब, बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे को दिल से प्यार करता है यार, सच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अच्छी सपोर्ट दिखा रहा है भाई। एक खुशखबरी है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, तो जो यार यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना, जो फेसबुक पेज पर देख रहे तो भाई फॉलो जरूर करना मेरे चैनल को गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइफ को, जो कि यूट्यूब में है गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइफ और फेसबुक पे है गोल्ड ऑफिशियल, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉग को करता मैं ख़त्म, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई पे प्यार बरसाते रहो, कहीं ना कहीं मेहनत करते रहो, अपने आस पास सफाई बनाए रखो, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।